आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों में जो आक्रोश व्याप्त था उसको लेकर हमने औचक निकलना पड़ा, क्योंकि हमने प्रशासन को रिटर्न में बार बार में मांग पत्र के माध्यम से तथा पर्सनल व्यक्तिगत मिलकर हमने कर्मचारियों की समस्याओं को अवगत कराया। हमने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बार बार में प्रशासन को ये बोला कि सर कर्मचारियों की समस्या है कि कर्मचारी जो कैडर के लिए आया है, नर्सिंग कर्मचारी नर्सिंग की कार्य के लिए आया है, ना कि उसको पाड़वोई का काम कराने के लिए, ना कि उसको लैब टेक्नीशियन का काम कराने के लिए, ना कि फार्मेसी का काम कराने के लिए। काफ़ी ऐसी समस्याएं, माइक्रोबायोलॉजी में कोविड सैंपल लेने के लिए कर्मचारी को लगा दिया जिनका ड्यूटी रोस्टर नर्सिंग रोस्टर से बिल्कुल अलग है। हम कर्मचारियों की जो मांग है कि जो कर्मचारियों का काम है नर्सिंग कर्मचारियों का मरीजों की केयर करना, उस मूल कार्य में लगाया जाए, ना कि O2 प्लांट में अभी करीबन 20 से 25 कर्मचारी O2 सिलेंडर खींचने के लिए लगा रखे हैं। हमारे कर्मचारी सेकंड ग्रेड लेवल का जो कर्मचारी है उसको वार्ड बॉय लगा रखा है। इनके पास वार्ड बॉय सब फोर्थ क्लास सफाई कर्मचारियों की इतनी कमी है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की वजह से असफाई व्यवस्था को लेकर जो डेली आपको शिकायत मिलती है कि सफाई नहीं हो रही है, मरीजों को टाइम से नहीं छोड़ा जाता वार्डों में, मरीजों की केयर नहीं हो रही है, उसका मूल कारण है कि यहाँ पर कर्मचारी जो फोर्थ क्लास कर्मचारी है उनकी बहुत कमी है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाते हुए क्या करता है कि नर्सिंग कर्मचारी को वार्ड बॉय की जगह बैठा देता है, उनको सिलेंडर खिंचवाता है, उनको जब लैब में जरूरत पड़ती है लैब टेक्नीशियन की तो लैब से अपनाते हुए क्या करता है कि नर्सिंग कर्मचारी को वार्ड बॉय की जगह बैठा देता है, उनको सिलेंडर खिंचवाता है, उनको जब लैब में जरूरत पड़ती है लैब टेक्नीशियन की तो लैब से लैब में लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की जो मांगें हैं उनको जायज़ समझते हुए जो ये भेदभावपूर्ण तरीका अपना रहा है प्रशासन तुरंत प्रभाव से रोके और O2 प्लांट, माइक्रोबायोलॉजी लैब, DDC जितने भी कर्मचारी जहाँ लगा रखे हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और एक महत्वपूर्ण मांग है, कर्मचारी ड्यूटियों में कोविड की ड्यूटियों में बहुत भेदभाव कर रहा है, जो प्रशासन के लाग लपेच में है उनको ड्यूटियों से बचाया जा रहा है। प्रशासन से हम बार बार में बोल चुके हैं कि इनकी ड्यूटी एक बार तो करवा लो, लेकिन प्रशासन कहता है ये ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन कहता है कि ये अलग से पैदा हुए हैं। हमारा मूल कारण यही था कि कर्मचारियों में जो भेदभावपूर्ण तरीका से ड्यूटी लगाई जा रही है कोविड में उसको रोका जाए, और जिन कर्मचारियों ने कोविड में ड्यूटी नहीं की है उनकी ड्यूटी लगाई जाए, और जो वार्ड बॉय के रूप में जो लगा रखे हैं O2 प्लांट और इसमें उनको और माइक्रोबायोलॉजी में उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर नहीं हटते तो कर्मचारी, आज तो हमने उनको निकाला है जो कार्य बाधित नहीं कर रहे थे, कल हम पूरे संपूर्ण स्टाफ को भी निकाल सकते हैं। गंगाशरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्स एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर।